श्री राम। यहाँ पे अपना स्टे था भाई कल। भाई चले हैं भाई मस्त गाना सुनते सुनते। तो भाई मैं यूपी पहुंच गया हूँ फाइनली। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कैसे आप लोग, आई होप आप ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह के 7 बजने वाले हैं और अभी हम लोग सो के उठे हैं। और पिछले कल मैंने सिर्फ 21 किलोमीटर सफ़र तय किया था, तो आज मेरी यात्रा का 19वां दिन है आज। हाँ, 19वां दिन है। और आज मेरे साथ भाई भी यात्रा करेंगे और भाई का 5वां दिन है। भाई मेरा 5वां दिन आज। भाई साइकिल में है और मैं पैदल। तो अभी चलते हैं, हमारे बैग जो है ऊपर ही है भैया के ऑफिस में, तो ले चलेंगे आपको ऑफिस। तो यहाँ पे अपना स्टे था भाई कल, उस वाले रूम में हम थे। छोटे छोटे कॉटेज बने हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5 कॉटेज हैं और ये रिसेप्शन है। तो अभी चलते हैं, वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे अपना बैग है और भैया का रिक्शा। भैया तो वहीं पहुँच गए हैं, मोहित और पवन उधर उस कमरे में उनका वेट कर रहे हैं। तो अभी पवन आ चुका है, तो चलते हैं भाई। जय श्री राम पवन। तो दोस्तों अभी मैं भी चल पड़ा हूँ आगे के लिए। सुबह के हो चुके हैं 7:30 और भाई तो वहाँ आगे चला गए हैं भाई। और मौसम आप देख सकते हो, आज भी ठंडा मौसम है। ये रहा बामनी खेड़ा गांव और यहाँ आगे है बामनी खेड़ा बाज़ार, बहुत बड़ा बाज़ार है भाई, गांव भी बहुत बड़ा है। तो अभी यहाँ पीछे ढाबे में भैया ने चाय पिलाई और बिस्किट भी खिलाए भाई फ्री में। मैं तो पैसे दे रहा था लेकिन नहीं लिए। और इनके ढाबे का नाम है कन्हैया ढाबा। यहाँ पे कोई कॉलेज है, NGF कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सुबह के 8:40 हो चुके हैं और मैं पहुँच गया हूँ ग्राम पंचायत मित्रोल। ये भाई मित्रोल गांव सामने। तो सामने आप देख सकते हो MBN यूनिवर्सिटी औरंगाबाद हरियाणा। तो अभी हरियाणा में ही हूँ भाई मैं, थोड़ी देर बाद UP स्टार्ट हो जाएगा, 15-20 किलोमीटर बाद, जो होटल से आगे शायद UP है। और मौसम देखिए भाई। तो अभी भैया मिले थे पीछे, वो बता रहे हैं कि जो राकेश भाई है वो यहाँ से 15 मिनट पहले गए हैं और आगे रुके होंगे कहीं। और मौसम देखिए भाई, आज बादल छाए हैं और धूप का तो कोई नामो निशान नहीं है, तो आज हिमाचल वाली फीलिंग आ रही है पूरी। ये पीछे रुके थे तो मैं तो वहाँ से आगे नहीं आ गया क्योंकि मुझे चलना होता है पैदल और भाई देखो साइकिल कैसे चलाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई चले हैं भाई मस्त गाना सुनते सुनते, हेडफोन लगाए हैं। जय श्री राम। जो है भाई ने स्पीड पकड़ ली है, आगे रुकेंगे ये ढाबे पे कहीं, अभी ब्रेकफास्ट भी करना है भाई, सुबह के 10 बज चुके हैं। तो अभी मैंने सुबह से 12 किलोमीटर सफ़र कर दिया है और अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है भाई। टाइम जो है 10:30 हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नॉन वेज ढाबे हैं, शाकाहारी ढाबा नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं कहीं आगे, थोड़े आगे हो सकता है। तो अभी मैं जिस जगह में हूँ, इस जगह का नाम है मुंडकटी। तो वही नाम भी बहुत ख़तरनाक है यहाँ के। अभी हरियाणा का जो लास्ट एरिया है, बॉर्डर एरिया,
10-15 किलोमीटर बाद यूपी स्टार्ट हो जाएगा। और अभी धूप भी निकल चुकी है भाई, अभी तक मौसम ठीक था, ठंडा ठंडा, अब गर्मी आ चुकी है। तो अभी सुबह के 10:50 हो चुके हैं और अभी जाके मुझे शुद्ध शाकाहारी ढाबा मिला है भाई, ब्रिज ढाबा करके नाम है। और अंदर से देखिए भाई, राम भगवान जी, राधा कृष्ण, बहुत सुंदर सजाया है। तो अभी थाली बन रही है, तो अभी करते हैं भाई ब्रेकफास्ट। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अंकल ने ना ज़बरदस्ती खिलाया भाई खाना, स्पेशल थाली, और पैसे भी नहीं लिए और पानी की बोतल भी दी। तो अंकल का ढाबा जो है ब्रिज ढाबा नाम से है, ब्रिजवासी ढाबा। तो अभी चलते हैं भाई होटल की ओर, होटल यहाँ से 8 किलोमीटर होगा शायद, 8-8.5। और मौसम देखिए, धूप खिली हुई है लेकिन बादल भी है। और राकेश भाई तो पता नहीं कहाँ होंगे, बहुत आगे चला गए होंगे। तो राकेश भाई भी यहीं पे बैठे हैं, इस वाले ढाबे में खाना खा रहे हैं, बालाजी ढाबा है। अभी वो अपना पावर बैंक चार्ज कर रहे हैं, तो मैं तो चलता हूँ आगे, वो साइकिल में आ जाएंगे तब तक। राकेश भाई भी आ गए हैं, ये देखिए, खा लिया खाना भाई? खा लिया। तो भाई ने भी खाना खा लिया है, अभी चलते हैं दोनों भाई। जय श्री राम। तो ये देखो भाई, तो अब जो है राकेश भाई अपनी गाड़ी दौड़ाएंगे, क्योंकि अगर ये धीरे चलेंगे तो इनका ज़्यादा जोर लगेगा भाई, इसलिए मैंने बोला कि आप चलो आगे, रुक जाना। और इनका बैटरी भी ख़त्म हो चुका है गाने सुन सुन के। तो लेफ्ट साइड पड़ता है डकोरा गांव और राइट साइड बंचारी, और सीधा जाएगा होटल होटल। तो चलते चलो भाई, राधे राधा नाम लेते हुए, सिया राम राधे श्याम। तो अभी दिन के 12:30 हो चुके हैं और अभी मैं जूस पीने बैठा हूँ भाई, जो यहाँ का नाम है आर्ट कैफ़े, आर्ट गैलरी एंड कल्चर सेंटर। तो बहुत अच्छा कैफ़े है भाई, और यहाँ से व्यू भी सामने का मस्त दिखाई दे रहा है। तो अभी दिन के 1:20 हो चुके हैं और मैं पहुँच गया हूँ होटल। होटल जो है हरियाणा की लास्ट सिटी है, उसके बाद जो टोल टैक्स आएगा वहाँ से यूपी स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से मथुरा है 57 किलोमीटर। और ये सामने है होटल बाज़ार। तो अभी मैंने होटल बाज़ार क्रॉस कर लिया है, बहुत ज़्यादा शोर था भाई, शहरों में ना ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, म्यूज़िक, गाड़ियों का शोर अलग से, और म्यूज़िक भी इतना ज़ोर से बजाते हैं ना भाई, क्या ही बोले। तो अभी टोल टैक्स आने वाला है, जहाँ से यूपी बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो मौसम आप देख सकते हो, अभी भी बादल है, अभी जो है सूरज बादलों के बीच में है, पहले धूप लग गई थी बहुत ज़्यादा, जिस वजह से चलने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब ठीक है भाई। और अभी मैंने आज के दिन का 20 किलोमीटर सफ़र कर दिया है, बाकी 13-14 किलोमीटर और करूँगा। राकेश भाई तो आगे निकल गए हैं भाई, पता नहीं कहाँ पहुँच गए होंगे, वो भी आगे वेट कर रहे होंगे, देखते हैं वेट कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे गाइस एक्सीडेंट हो गया है, बाइक वाला जो है पता नहीं कैसे गिर गया। यहाँ से टोल गेट है 1 किलोमीटर दूर, वहाँ से जो है यूपी बॉर्डर शुरू हो जाएगा। और यहीं पे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल भी है, थोड़ी दूर, 100-200 मीटर दूर।
जो आप अंदर देख रहे हो ये है गौ सेवा धाम हॉस्पिटल। तो अभी दिन के 2:36 हो चुके हैं और सामने आप देख सकते हो हरियाणा यूपी बॉर्डर, उस साइड जो है यूपी पड़ता है, ये वाला एरिया जो है हरियाणा का है। तो चलते हैं अब यूपी में एंटर करते हैं। तो अभी मैं यूपी पहुंच गया हूं फाइनली, नहीं तो हरियाणा वाई ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ये वाला एरिया पड़ता है यूपी का और पीछे रह गया हरियाणा। तो अब चलते हैं आगे की ओर यूपी, देखते हैं यूपी में कैसे लोग हैं। हरियाणा में तो बहुत अच्छे थे, दिल्ली में थोड़े ख़राब थे भाई, बाकी हिमाचल के तो अच्छे ही हैं। तो अभी दिन के 3 बज चुके हैं और आज के दिन का मैंने 27 किलोमीटर सफ़र कर लिया है। तो अभी चाय पीते हैं आगे भाई, यहाँ आगे ढाबा दिख रहा है चाय वाला, तो यूपी की पहली चाय पीते हैं, देखते हैं यूपी वाले मीठा कैसे डालते हैं। तो ये रही यूपी की पहली चाय, मस्त बनी है भाई। यहाँ सामने ही गुलशन ढाबा है, 140% वेज, इसका मतलब तो पता नहीं भाई 140% क्या होता है। तो अभी चाय मैंने पी ली है और यहाँ ठीक था भाई मीठा। तो अभी चलते हैं आगे, कोसी कल्ला गांव पड़ेगा एक, वहाँ तक मैंने आज जाना है, देखते हैं वहाँ स्टे मिलता है या नहीं। और कोसी कल्ला यहाँ से 7.5 किलोमीटर दूर है, तो 2 घंटे लग जाएंगे भाई। यूपी में पहुंचते ही बुलडोजर देखने को मिल गया भाई। ये देखो सारी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है, ये कोई फैक्ट्री थी इसे तोड़ दिया जा रहा है। ऑटो के ऊपर बंदर बैठा है भाई। तो अभी दिन के 3:40 हो चुके हैं और ये वाला जो एरिया है ये पड़ता है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से जहाँ मुझे जाना है वो जगह है 6 किलोमीटर दूर। तो अभी 6 किलोमीटर चलना है भाई, 5 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगा। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और यहाँ से कोसी कला है 4 किलोमीटर पूरा, तो 1 घंटा लग जाएगा भाई, मतलब 5 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। अभी शाम के 4:15 हो चुके हैं और अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ भाई, भूख लग चुकी है। और यहाँ से कोसी कल्ला बता रहा है ये देखिए 3.2 किलोमीटर। तो पहले खाना खाते हैं उसके बाद चलते हैं आगे। ये है भाई ढाबा, फैमिली ढाबा, मुरथल फैमिली ढाबा, मथुरा कोसी कल्ला से 3.5 किलोमीटर पीछे है ये। तो अभी खाना मैंने खा लिया है, 150 रुपये लिए भाई इन्होंने, एक राजमा चावल खाया था फुल प्लेट, तो 130 रुपये बने शायद उसके, 20 रुपये की पानी की बोतल, टोटल 150 रुपये। तो यूपी महंगा है भाई। तो अभी चलते हैं आगे के लिए, बचा हुआ सफ़र तय करते हैं आज के दिन का 3 किलोमीटर। शाम के बज चुके हैं 5 और मैं पहुंच गया हूं कोसी कला मार्केट। यहां से जो है कोसी कला स्टार्ट हो जाता है और स्टॉपेज जो है 1 किलोमीटर आगे है। तो अभी यहां ठहरने का देखते हैं कहीं पे। तो अभी मुझे कमरा मिल गया है भाई धर्मशाला में, 160 रुपये चार्ज है यहां का। तो ये रहा मेरा कमरा, ठीक है भाई, सोना ही तो है। तो ये जो धर्मशाला पड़ती है रेलवे स्टेशन के पास पड़ती है कोसी कला में, 160 रुपये का रूम दिया इन्होंने मुझे। और आज ना भाई मैंने 36 किलोमीटर सफ़र किया है बमनी खेड़ा से कोसी कला तक, और राकेश भाई जो है रास्ते में रह गए यार, वो मेरे से आगे थे और मुझे मिले नहीं। और अब मैंने कॉल किया तो पता चला वो होटल में ही रुके हैं। तो अभी देखते हैं कब तक आएंगे वो कल, मुझे तो यहाँ तक पहुँचना था भाई क्योंकि आगे लेट हो जाएगा। मैंने सोचा वो साइकिल में आगे निकल जाएंगे,
तो लेकिन वो पीछे रुक गए थे। तो अभी मैंने खाना खा लिया, ज़्यादा भूख तो मुझे नहीं थी, तो अभी बैठ के वीडियो एडिट करूँगा और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।